हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है टेक्नोमान मॉल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एयरटेल के कुछ नए ब्रॉडबैंड प्लान के बारे में। हाँ दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही अच्छे नहीं है, मगर अच्छे प्लान्स हैं जैसे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे आप लोगों को पता है जियो ब्रॉडबैंड आने वाला है गीगा फाइबर, तो इसलिए एयरटेल ने जो अपना प्राइस है कम कर लिया है डर के मारे कि हमारा जो ब्रॉडबैंड है वो खत्म ना हो जाए। तो इसलिए इस वीडियो को बने रहिएगा और आज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि हम आपको लाते हैं डेली 2 वीडियोज़। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कुछ प्लान के बारे में बात करते हैं और सबसे पहला प्लान जो आ जाएगा वो आएगा 799 की ओर से। दोस्तों ये जो प्लान होने वाला है इसमें आप लोग को एसटीडी कॉल जो सब कॉल फ्री मिलेंगे। जैसे आपको पता है लैंडलाइन आपको लगवाना पड़ता है, जो सब फ्री होगा आप लोग को देना उसमें मिलेगा। 100 GB आप लोग को मिला करेगा और 40 MBPS की स्पीड मिलेगी 100 GB तक। फिर उसके बाद से जो स्पीड होगी वो कम होकर 2 MBPS की रिड्यूस कर दी जाएगी। और मैं बात करता हूँ आप लोग को 500 GB मिल रहा है डेटा 31 अक्टूबर तक। अभी आप आज प्लान करते हो, मतलब इस महीने में करते हो, तो 31 अक्टूबर तक आप लोग को चलाने मिलता है 500 GB। तो आप वो कभी भी ख़त्म करो, वो जैसे ही आप लोगों को जो 100 GB ख़त्म होगा उससे वो अपने आप चालू होने लग जाएगा। तो 500 GB आप लोग ऐसे मिलने वाला है, बहुत ही अच्छी बात है। अब लिखा 799 का प्राइस, मगर टैक्सेस मिला के आप लोग को जो प्राइस पड़ेगा वो 800 के करीब वो प्लान पड़ जाएगा। तो हर मैं आप लोग को बोलूँगा जो भी प्लान आप देख रहे हो तो उसमें आप लोग टैक्स इंक्लूड कर दो, क्योंकि टैक्स तो लगने ही वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्लान जो आएगा वो 999 की तरफ से आ जाएगा। वो होने वाला है आप लोग को 250 GB मिलने वाला है आप लोग को पर मंथ। उसमें आप लोग को 100 MBPS की स्पीड मिलने वाली है और इसमें आप लोग को जो बोनस डेटा है वो 1000 GB का दिया है। हाँ दोस्तों, इसमें 1000 GB का डेटा मिलेगा जो आपको अक्टूबर 31 तक चलाने मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें आप लोग को अमेजोन का सब्सक्रिप्शन भी मिलने वाला है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो 1000 रुपये का है तो आपको 1100 रुपये महीना आया करेगा, तो ये प्लान अच्छा है। बट जियो का जो प्लान आने वाला है वो अलग ही लेवल का है, तो कोई भी यहाँ पे नहीं आने वाला है, कोई स्विच नहीं करेगा। और जैसे कि मैं आप लोग अपना प्लान शेयर करता हूँ, तो मेरा जो प्लान है वो दोस्तों से मैं जो अपना अपलोडिंग करता हूँ वो अपने जियो के उससे करता हूँ, और जो ब्राउजिंग में कभी करता छोटे छोटे ब्राउजिंग होता है वो अपने घर के में। वाईफाई मेरा बस में देता हूँ 600 रुपये, 2 MBPS है और अनलिमिटेड मैं चलाता हूँ। तो ये प्लान जब आया था, जब जियो आया था, जब सिम आ रही थी तो एकदम ख़त्म हो गया था। ये प्लान मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ ये वीडियो। तो बहुत ही अच्छा प्लान है और मुझे खुद उनने जो फाइबर है वो खुद लगा के गए, सब वो खुद ने खुद किया है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लान मुझे लगा था और अभी तक मैं वही प्लान चला रहा हूँ। अब मुझे नहीं लगता जब जियो का ये नया आने वाला है तो मैं उसमें स्विच कर लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अब आने वाले क्वेश्चन वो मतलब जो नेक्स्ट वाला प्लान है वो आएगा 1300 रुपये में। जो 1300 रुपये में आप लोग को मिलने वाला है 500 GB डेटा और आप लोग को 100 MBPS की स्पीड मिलने वाली है। जो हैवी यूज़र है उनके लिए प्लान बहुत अच्छा है। आप लोग इसमें बोनस डेटा जो इसमें भी आप लोग 1000 GB का मिलने वाला है, जो 31 अक्टूबर जो मतलब जो एंडिंग है वो 31 अक्टूबर में बोनस डेटा की हर प्लान में रहेगी। ठीक है, इसमें भी आप लोग का अमेजोन का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, तो मेरे सबसे बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आप लोग देख सकते हैं जो हैवी यूज़र्स हैं जो मतलब बहुत बड़ा लोड काम करते हैं, तो ये प्लान बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट प्लान के बारे में बात करते हैं तो वो आएगा 1999 की तरफ से। वो आएगा अनलिमिटेड लोकल कॉल, अनलिमिटेड डेटा आप लोग को उसमें मिल जाएगा, 100 MBPS की स्पीड और आप लोग को बोनस डेटा भी आप लोग को 1000 GB मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्लान जो है ये अनलिमिटेड डेटा है, मतलब आप समझ सकते हो जितना डेटा चलाना चलाओ और 100 MBPS भी मिलेगा। तो आप जैसे कि देख सकते हो 2000 रुपये इसकी प्राइस है। ठीक है, तो 2100 रुपये तक आया करेगा। अब ये प्लान आप लोग को जियो में मिलेगा कम से कम मेरे हिसाब से 1100-1200 रुपये मिल जाया करेगा यही प्लान। मतलब कौन लेगा यार फिर एयरटेल, मतलब मेरे हिसाब से, मगर एयरटेल की जो स्पीड है वो जियो से थोड़ी बेटर है। मैंने जितना भी किया है मेरे एरिया में बता रहा हूँ मैं, आपके एरिया में जियो हो सकता है, आपके एरिया में किसके एयरटेल में एयरटेल हो सकता है, तो ये आपके ऊपर एरिया में है। तो मेरे एयरटेल मतलब मेरी जगह तो एयरटेल है, तो मैं इसलिए एयरटेल ही पे स्विच करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लान भी है आप लोग को, और प्लान भी मिलता है भाई। तो एक प्लान है आप लोग को 2200 रुपये का, जो आप लोग को 1200 GB डेली आप लोग को मिलेगा स्पीड और 300 MBPS की स्पीड मिलेगी आप लोग को। इसमें भी 1000 GB आप लोग को मिलने वाला है 31 अक्टूबर तक, और इसमें भी अमेजोन का आप लोग को मिलने वाला है 6 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन। तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप लोगों को जैसे पता है BSNL ने भी अपना एक प्लान लॉन्च किया था जो 20 GB आप लोगों को डेली मिलेगा 491 रुपीज़ में 20 MBPS के लिए। तो बहुत ही अच्छे प्लान है जो इन सब लेके आ रहे हैं, क्योंकि सब को कम्पीट करना है जियो के साथ। देखिए, सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कि जियो गीगर फाइबर कैसा चल रहा है, और सबको पता है 4500 रुपये अपन को देना पड़ेगा, फिर उसके बाद से अपन को मिलेगा। तो ठीक है, जब 15 अगस्त को अनाउंस होगा अपन रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर देखते हैं कि कैसी स्पीड होगी, क्योंकि यहाँ पे जो जियो की स्पीड है वो इतनी अच्छी नहीं है। मेरी एरिया में अच्छी नहीं है, आपके एरिया में मुझे नहीं पता कैसी है, बट अच्छी होगी। ठीक है, तो एयरटेल की स्पीड यहाँ पर बहुत अच्छी है। तो बस दोस्तों, जो आज का वीडियो तो यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ यहाँ पे जो भी प्लान हैं, कुछ भी प्लान है जो मैंने बता दिया आप लोगों को। आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को आज के लाइक करो और
चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी दबा दो। मिलता हूँ आप लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।